अब हम देखते हैं लुगत और तारीख क्या है। तो लुगत तारीख दोनों में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स यानी मारूजियत को अहमियत हासिल है। मारूजियत यानी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि जो भी सच्ची मालूमात है, जो सच बात है या जो भी उसकी ट्रुथ दिया गया है या जो एग्जैक्ट मालूमात दी गई है, वही जो है वो उसमें शाय करना, उसमें तहरीर करना, और इसके अलावा जो है किसी तरह की जो है वो ख्याल आरई उसमें नहीं की जाती है, किसी तरह की दिलवाला कहानियां नहीं उसमें जोड़ी जाती। तो तारीख और लुगत दोनों में जो है ये एक कॉमन चीज़ है कि दोनों में मारूजियत यानी ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। हर कौम और हर जबान में लुगत मुख्तलिफ नौयत की होती है क्योंकि उनकी तजरीही तरतीब मुख्तलिफ होती है। यानी हर कौम और हर जबान और हर तहजीब की जो तारीख है, जो उस मुल्क से वो ताल्लुक रखते हैं, वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की जिंदगी का रहन सहन और उनकी जो है आदर्श, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो उनके समाज में मौजूद है, वो सारी चीज़ों के असरात जो है वो लुगत पर पड़ते हैं। फलसफा रिवायात का असर भी जो है वो लुगत पर पड़ता है। इसके अलावा कौमी वकार की बेदारी जो है वो लुगत से की जा सकती है। जैसे कि महादेव शास्त्री जोशी की एक भारतीय संस्कृति कोश नामी जो है किताब है, जिसमें भारत की तहजीब के मुतालिक जो है वो बताया गया। भारत की तहजीब, उसमें भारतीय जो अलग अलग स्टेट है, उसके अलावा वहाँ की जो तहजीब, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की रिवायात, रस्म और रिवाज, उनके त्यौहारात, उनकी मान्यताएं, इन सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो उसका असर इसमें पड़ा। अब अगर हम भारत की संस्कृति, भारत की तहजीब और इंग्लैंड की तहजीब को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम दोनों जगहों की जो है वो तहजीब मुख्तलिफ है। तो इसीलिए हर इलाके की, हर जगह की तहजीब जिस तरह की होगी, उस किस्म की जो है वो उस वहाँ की इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी तैयार होगी। इन सब की तरक्की के लिए मुहैया करवाना लुगत की तख्लीक के लिए तरगीब का काम करती है। इसका सबसे अहम मकसद जो यही है कि इन सब की तरक्की के लिए मुहैया करवाया जाए, हर एक तक जो है वो एक सारे मौजू पर या जिस भी मौजू पर उसको मालूम चाहिए उसकी मुकम्मल इल्म जो है वो उस तक पहुँचे। इसीलिए जो है वो लुगत की तख्लीक की जाती है। इल्म की तहसील और अबलाग को ज़िंदगी का अकीदा बनाकर उसके लिए इंफरादी और इज्तमाही शक्ल में कोशिश की जाती है। यानी लोगों तक इल्म पहुँचाने के लिए जो है वो इंफरादी तौर पर यानी एक अकेला शख्स भी लुगत तैयार करता है और इज्तमाही शक्ल में ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो लुगत तैयार करती है। इसलिए लुगत को जो है वो माशरे का निशान इम्तियाज समझा जाता है। माशरे की फहम व फरासत, उनकी अलामती ताईद लुगत की तख्लीक में दिखाई देती है। ऑफकोर्स जो माशरा जितना इल्म से और जबान से और इन चीज़ों से जो है वो कनेक्टेड होगा, उतना जो है वो उसकी जैसे कहते हैं ना कि रिचनेस जो दिखती है वो उसकी जो है वो तहरीर में दिखाई देगी। तो इसीलिए जो है वो लुगत को माशरे का निशान इम्तियाज, उसकी पहचान समझी जाती है। क्योंकि जो इंसान या जो माशरा जिस कदर इल्म से नज़दीक होगा, वो सारी चीज़ें जो है उसकी तहरीर में वो झलक दिखाई देगी। उर्दू आलमी इंसाइक्लोपीडिया और उर्दू साइंस इंसाइक्लोपीडिया उर्दू की अहम लुगात है। जो मैंने अभी कहा, भारत में अगर देखा जाए जामे उर्दू इंसाइक्लोपीडिया बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर इसे पढ़ना चाहे तो कौमी कौंसिल बराए फरोगे उर्दू की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसे NCPUL कहा जाता है, न्यू दिल्ली में है ये, तो उसकी वेबसाइट पर आपको ये बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा उर्दू इंसाइक्लोपीडिया और जो इंसाइक्लोपीडिया तारीख आलम है, ये जो है वो काफ़ी अहम और काफ़ी मशहूर जो है उर्दू की लुगत है।